today is our EVS class and today we are going to start our new chapter in EVS, chapter number 10, our safety. In this chapter we will read about different types of safety rules, that you should follow some safety rules inside the house and outside the house also. Accident can happen everywhere, so we should be careful every time. Sometime maybe accident can be very dangerous, so by following some safety rules we can stay always safe. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट घर में भी हो सकते हैं और घर के बाहर भी हो सकते हैं, तो हम हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा सेफ रह सकते हैं. तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपको घर के अंदर कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए और घर के बाहर कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो एवरीबॉडी टेक योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 59. लेट्स रीड. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेफ. वी कैन हैव एन एक्सीडेंट इनसाइड और आउटसाइड द हाउस. Therefore, we must be careful at all times and avoid accident. Following the safety rules will help us avoid many possible dangers. हमें ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेफ रहे. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं और घर के बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए तो हम उन एक्सीडेंट से बच सकते हैं. सेफ्टी इनसाइड द हाउस. It is important to be careful even when you are inside the house. Let us read about the safety rules to be followed inside the house. Now we will read about this, which type of safety rules you should follow inside the house. Turn your page 59 to 60. Don'ts. First we will read about the some rules you should not follow all these things. आपको ये सब follow नहीं करनी चाहिए. ये पहले जो फॉलो नहीं करनी है वो दी हुई है, उसके बाद जो सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करनी चाहिए घर के अंदर वो दिए हुए हैं. ऑन पेज नंबर 16. डू नॉट ओपन द डोर टू एनी स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मीन्स एन आउटसाइडर. किसी भी स्ट्रेंजर के लिए हमें कभी भी अपना दरवाजा नहीं खोलना है घर का. स्ट्रेंजर मीन्स कोई भी वो पर्सन जिसे आपने कभी पहले नहीं देखा हो या वो जो आपके लिए अजनबी हो, जिसे आप नहीं जानते. Do not accept anything from a stranger. You should not accept anything from a stranger. आपको कोई भी चीज accept नहीं करनी चाहिए अगर कोई अजनबी इंसान आपको दे रहा है तो. Do not touch any hot cooking pot or any electrical gadget. आपको घर के अंदर कोई भी cooking pot जो गर्म है, hot है, उसे touch नहीं करना चाहिए और electrical gadget जो होते हैं उन्हें भी touch नहीं करना चाहिए. Do not handle sharp or pointed object. आपको कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है जैसे कि सीजर वगैरह, निडल, इन सब से दूर रहना चाहिए. इन सबको टच नहीं करना चाहिए, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट बी केयरलेस विद ग्लास ऑब्जेक्ट. आपको ग्लास ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक हो सकती है. जो चीजें कांच से बनी हुई है, ग्लास, कुछ पॉट होते हैं हमारे घर में, तो उन्हें आपको टच नहीं करना चाहिए, वो भी आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं. डू नॉट टच प्लग और एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स. आपके घर में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीन फ्रॉम अ बालकनी, दिस डेंजरस. कभी भी बालकनी में जाके नीचे नहीं झुकना चाहिए, बालकनी में खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वहां से आपके गिरने की भी पॉसिबिलिटी रहती है. एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. सो यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. नाउ वी विल रीड अबाउट दैट सम सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो इनसाइड द हाउस. आपको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए घर के अंदर. Inform an older person in the house if you notice any fire in the house. अगर आपको कहीं भी किसी भी टाइप की आग लगती हुई दिख रही है या आपको किसी ऐसी स्मेल कोई आ रही है डिफरेंट, तो आपको अपने किसी बड़े पर्सन को बताना चाहिए. घर में जो बड़े मेंबर है उन्हें बताना चाहिए. Always tell an older person in the house about any stranger in or around the house. अगर आपके घर के आसपास कोई भी अजनबी इंसान देखते हो, स्ट्रेंजर देखते हो, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, उस ऐसे किसी पर्सन को देखते हो, तो आपको उसी टाइम अपने घर में, अपनी फैमिली में जो बड़े मेंबर हैं उनको जाके बताना चाहिए. ऑलवेज इन्फॉर्म एन ओल्डर पर्सन इन द हाउस इफ यू और योर सिबलिंग इज हर्ट. अगर आपके भाई बहन को किसी को कोई चोट लगी है या आप हर्ट हुए हो, तो आपको अपने घर में किसी बड़े पर्सन को बताना चाहिए. ऑलवेज कॉल एन ओल्डर पर्सन इफ यू स्मेल समथिंग स्ट्रेंज इन द हाउस. अगर आपको घर के आसपास और घर के अंदर कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी कोई सुगंध आ रही है, तो आपको अपने घर में किसी बड़े मेंबर को इन्फॉर्म करना चाहिए. तो आपको किसी भी बात को लेकर जो पहली बार आप देख रहे हो घर के आसपास या फील कर रहे हो, तो आपको अपने फैमिली में बड़े मेंबर को जाके बताना चाहिए. गुड टू नो पॉइंट.
यू मस्ट रिमेम्बर इट ऑल नंबर्स रिलेटेड टू अवर इंडिया. सम इमरजेंसी फोन नंबर इन इंडिया आर पुलिस कंट्रोल रूम ऑल ओवर इंडिया 100. पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर क्या है 100. चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 16. एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102. फायर सर्विस 101. ऑल इंडियन रेलवे हेल्पलाइन 1512. रेलवे हेल्पलाइन के लिए 1512 नंबर होता है. फायर सर्विस के लिए हमारे इंडिया में 101 नंबर है. एम्बुलेंस हेल्पलाइन के लिए 102 है. नाउ जस्ट चेकिंग पॉइंट्स. से यस और नो. यू हैव टू राइट योर आंसर एज अ यस और नो विद पेंसिल. इट इज सेफ टू हैंडल ग्लास ऑब्जेक्ट. क्या ये आपके लिए सेफ रहता है कि आप किसी ग्लास ऑब्जेक्ट के साथ खेल लो, उसको अपने हाथ में पकड़ो? नो. यू हैव टू राइट योर नो. यू वी मस्ट अलो स्ट्रेंजर इन टू अवर हाउस. नो. हमें किसी भी स्ट्रेंजर को हमारे घर में नहीं आने देना चाहिए. नो. वी शुड नॉट लीन ओवर द बालकनी. यस. हमें हमारी बालकनी से नीचे नहीं झुकना चाहिए. यस. आई शुड टेल एन एल्डर इफ आई एम हर्ट. अगर आप हर्ट हो जाओगे किसी चीज से या चोट वगैरह के लगेगी तो आप किसी बड़े पर्सन को बताओगे? यस. यू हैव टू टेल देम. Maybe this is enough for today. Our remaining chapter we will discuss in our next class.